हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, क्या आपको पता है इतिहास में 2 बार ताजमहल की नीलामी हो चुकी है। दरअसल अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए ताजमहल को बेचने की कोशिश की थी साल 1828। उस समय के मौजूदा गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के ऑर्डर पर कोलकाता के अखबार में ताज की नीलामी का टेंडर जारी किया गया। उस समय अंग्रेज शासन की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। टेंडर निकलने के बाद मथुरा के सेठ लक्ष्मीचंद ने 1.5 लाख रुपए बोली लगाकर ताज को खरीदा था। ताज की नीलामी की सूचना फैलते हुए लंदन चली गई। लंदन में असेंबली में नीलामी पर सवाल उठे, तब जाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ताज की नीलामी कैंसिल की और दूसरी बार कोलकाता के ही अंग्रेजी अखबार दैनिक जानबुल में 26 जुलाई 1831 के दिन फिर से ताज बेचने का एड छपा। यहाँ भी सेठ लक्ष्मीचंद 7 लाख रुपए बोली लगाकर ताज के मालिक बन गए। आपको बता दूं कि नीलामी की शर्त ये थी कि ताज को तोड़कर इसके खूबसूरत पत्थरों को लंदन ले जाया जाए, लेकिन ताजमहल को तोड़ने में काफी लंबा समय लगने वाला था और ताज के पत्थरों की अच्छी कीमत भी नहीं मिल रही थी। बस इसीलिए नीलामी को कैंसिल कर दिया गया। एक इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, ताज नीलाम करने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक वही अंग्रेज अफसर थे जिनको भारत में सती प्रथा को खत्म करने के लिए सम्मान दिया जाता है।